जी हाँ, थकी हुई सी मैं और थकी हुई सी मेरी स्किन। सोचा खुद को थोड़ा सा पैम्पर करना चाहिए, भाई सेल्फ लव की बातें करते हैं, थोड़ा सा उसके लिए एफर्ट भी करनी ही चाहिए। ये सुनो, तो मैं डिनर करके फ्री हो गई थी, सोचा कल करें कल करें, फिर ख्याल आया कल नहीं आज ही करते हैं, क्यों ना स्किन को पैम्पर किया जाए। लेट्स डू इट। नमस्कार और स्वागत है मेरे खूबसूरत से परिवार का उनके अपने ही चैनल प्रीति प्रेरणा पर, जहाँ पर आज मैं उनके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ कि विंटर सीजन में बहुत ही सिंपल से स्टेप्स करके कैसे आप अपनी स्किन को एकदम टाइटन, ब्राइटन और बहुत ही खूबसूरत कर सकते हैं। पहला स्टेप वेरी सिंपल, अपने बालों को कंट्रोल में रखना है ताकि वो प्रोसेस में इंटरफेयर ना करें। इसके बाद आपको थोड़ी सी तैयारी करनी है, जिसके लिए आपको एक बोल चाहिए, जिसमें लेना है आपको बॉइलिंग वाटर। जी हाँ, उबलता हुआ पानी। डोंट वरी, इसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमें डबल बॉयलर मेथड के लिए इसमें एक और कंटेनर लेना है। जी हाँ, मैंने यहाँ पर एक छोटी सी कांच की कटोरी ली है, जिसको मैंने इस हॉट बॉइलिंग वाटर पर रख दिया है। और इसमें अब आपको लेने हैं दो ऑयल, जो कि आपके स्किन के लिए रामबाण का काम कर सकते हैं, स्पेशली इन द विंटर सीजन। ऐसा नहीं है कि आप समर सीजन में यूज़ नहीं कर सकते, पर विंटर सीजन में इट इज़ गोइंग टू बेयर वंडरफुल रिजल्ट्स। तो इसमें मैं ले रही हूँ एक छोटा चम्मच बादाम का तेल। आप सभी जानते हैं कि मेरा फेवरेट है हमदर्द का रोगन बादाम शरीन, क्योंकि आप इसे खा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, आपकी बॉडी इसे बहुत खूबसूरती के साथ एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा चम्मच रोगन बादाम शरीन ऑयल लिया है। ये जो बाहर आपने गर्म पानी ले रखा है, वो इस ऑयल को धीरे धीरे सॉफ्टन करेगा, लाइटर करेगा, हल्का करेगा। और इसमें आपको लेना है अपना दूसरा ऑयल, जो कि होने वाला है अरंडी का तेल, यानी कि कैस्टर ऑयल। मैं यहाँ पर कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो ऑयल अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। कैस्टर ऑयल को भी मैं एक छोटा चम्मच ही ले रही हूँ, लेकिन याद रहे ये बहुत ही थिक ऑयल होता है, मतलब कि जितने भी ऑयल आप जानते हैं उनमें से सबसे थिक ऑयल होता है कैस्टर ऑयल। इसका एप्लीकेशन आपके बालों में आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, इसीलिए इसको एक कैरियर ऑयल के साथ मिक्स किया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैस्टर ऑयल यानी कि अरंडी का तेल आपकी स्किन के लिए एक ऐसी औषधि है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। आपके चेहरे पर मौजूद वो सालों पुरानी पिगमेंटेशन, झाइयाँ, मेलाज्मा, एक्ने मार्क्स, पिंपल स्पॉट्स, किसी भी तरह का कोई भी डार्क स्पॉट जो आपके चेहरे पर मौजूद है, जिससे आप निजात पाना चाहते हैं, ये ब्लेंड ऑफ ऑयल उसको आसानी से फिक्स कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। गर्मियों में इस ऑयल का एप्लीकेशन काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है, चिपचिपा होता है, लेकिन विंटर सीजन में इसका एप्लीकेशन आपकी स्किन के लिए वो वरदान साबित हो सकता है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं कि इस ब्लेंड ऑफ ऑयल का इस्तेमाल कैसे करना है। हर फेशियल प्रोसेस की तरह इस प्रोसेस का भी सबसे पहला स्टेप है अपने चेहरे को वॉश करना। पर क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, कष्ट अनुभव होगा, तो आप भी मेरी तरह शॉर्टकट मार सकते हैं। अगर आपके पास गुलाब जल है तो गुलाब जल, नहीं तो जो भी टोनर आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने चेहरे पर स्प्रे कर लीजिए। कॉटन पैड की मदद से अपने पूरे चेहरे को वाइप ऑफ कर दीजिए। एक्चुअली ये मुंह धोने का सब्स्टिट्यूट ही है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि प्रोसेस के दौरान हमारे चेहरे पर मौजूद ऑयल, डर्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो आपके चेहरे पर बिल्डअप हो रखा हो वो इंटरवीन करे। इसीलिए आप अच्छे से अपने चेहरे को एकदम क्लीन कर लेंगे। हालांकि आपका कॉटन पैड आपको बताएगा कि चेहरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, पर आगे चलकर आपको प्रोसेस में दिखेगा कि आपका चेहरा अभी कितना गंदा हो रखा है। जी हाँ, कॉटन पैड्स टैंजिबल हटा सकते हैं, जो ऊपर से मोटा मोटा आपके चेहरे पर होगा, पर जो इंटरनल आपके सेल्स में कैप्चर हो रखा है वो अब आगे प्रोसेस में रिवील होगा। नेक्स्ट स्टेप है अपने हाथों को अच्छे से गर्म कर लीजिए। अब ठंडे ठंडे हाथ गालों पर लगेंगे तो सारा ध्यान तो हाथों पर ही रहेगा ना, इसीलिए अपने हाथों को अच्छे से मसाज करके और हल्का वार्म कर लीजिए। इसके बाद आपने जो डबल बॉयलर मेथड से ऑयल्स ब्लेंड किए हैं, इनको अपने हाथों में लीजिए और फिर से मसाज कीजिए। जी हाँ, हथेलियों की जो वार्म्थ होती है वो ऑयल को चार्ज कर देती है और बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसके बाद आप अपने हाथों को अपने चेहरे पर सिर्फ डैब करेंगे, पुश करेंगे ऑयल को अपने सेल्स के अंदर। ये स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ अपने चेहरे पर इसको डैब करने से, पुश करने से, ये ऑयल कई सतह नीचे चला जाता है और आपका जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी सक्सेसफुल होता है। आपके पास जो गर्म पानी है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं वार्म्थ को मेंटेन रखने के लिए, अदरवाइज आप जैसे कंफर्टेबल हैं। इसके बाद अब आपको अपने चेहरे को मसाज करना है। देखिए, इस पूरी मसाजिंग प्रक्रिया में हमारा ध्येय ये होने वाला है कि आपके चेहरे पर मौजूद जो लिम्फेटिक फ्लूइड है, आप समझ सकते हैं तरल पदार्थ होता है जो आपके चेहरे पर डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका चेहरा काफ़ी हैवी लगता है, काफ़ी मोटा लगता है। मेरा जो चेहरा है जिसमें चीक बोन काफ़ी हायर हैं,
इस वजह से अगर लिम्फेटिक फ्लूइड मेरे चेहरे पर रहेगा तो मेरा चेहरा और भी ज़्यादा ब्रॉडर लगेगा, इसीलिए ये मसाजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपने फोरहेड की जो लाइंस हैं उनको सेटल डाउन करने के लिए ऊपर नीचे मसाज कर रही हूँ। और ये जो स्टेप आप देख रहे हैं, पाउट करके और फिंगर्स की मदद से, पूरी हथेलियों की मदद से अपनी चीक बोन को मैं कस के पीछे खींच रही हूँ। रीज़न बीइंग, जो लिम्फेटिक फ्लूइड मेरी चीक्स पर है वो साइड में डिपॉजिट हो जाएगा। सिमिलरली जो चिन एरिया में है वो आप इस जेस्चर से पीछे की तरफ पुश कर सकते हैं। अगर आपके ऑर्नामेंट्स लाइक योर रिंग्स इंटरवीन कर रहे हैं तो आप उनको हटा भी सकते हैं, जैसा कि मैंने किया। और इसके बाद ये जो लिम्फेटिक फ्लूइड आपने इकट्ठा किया है उसको आप नीचे ड्रेन कर देंगे थ्रू योर नेक। नाउ यू अंडरस्टैंड, पूरा का पूरा पर्पज़ ये है कि जो फ्लूइड आपके चेहरे पर मौजूद हो रखा है, इकट्ठा हो रखा है, इसको आपको नीचे ड्रेन करना है। अगर आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो आपको ये दो एक्सरसाइजेज जो मैंने अभी आंखों के लिए जेस्चर्स किए वो, और ये दो फिंगर आपके कानों के आगे और पीछे, ये मूवमेंट्स आप अभी वीडियो देखते हुए भी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपको कितना रिलैक्स फील होगा। जब ऑयल आपके हाथों में होगा तब तो ये अलग ही रिलैक्सेशन देता है, अदरवाइज ऑल्सो इट्स वेरी वेरी बेनिफिशियल। आप अपने चीक्स को अपने, आप देख सकते हैं जो मैं नाक के साइड की एक्सरसाइज कर रही हूँ, दोनों ही इंडेक्स फिंगर से इसको स्ट्रेच कर रही हूँ चीक बोन्स के साइड में और नाक के बीच में। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जेस्टर्स आपके स्किन को स्कल्प्ट करते हैं, इसको एक स्ट्रक्चर देते हैं जो कि अदरवाइज कई बार लिम्फेटिक फ्लूइड की वजह से ऊपर नीचे हो जाता है, थोड़ा डिसमेंटल सा हो जाता है। तो इसीलिए आपको चेहरे को जो मसाजिंग करते हैं दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो स्कल्प्टिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बिकॉज नाक अगर शाइन करती है किसी की तो समझ में आ जाता है कि स्किन काफ़ी अमेजिंग है। मानते हैं कि नहीं, जल्दी से नीचे लिखकर बताइए। तो इसीलिए नाक को मैं बहुत ज़्यादा समय देती हूँ, जिसको मैंने यहाँ एडिट कर दिया है, दिखाया नहीं है, बट बिलीव मी नोज़ मसाजिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दस आपका जो हाईएस्ट पॉइंट है आपके चेहरे पे वो आपकी नाक है, एंड इट शुड शाइन फॉर श्योर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ऑयल से मसाजिंग करी है, प्रॉपर हर एरिया को पूरा टाइम दिया है, समय दिया है, और अच्छे से अपने चेहरे को स्कल्प्ट किया है। अगर आपके माउथ के अराउंड आपको डार्कनिंग का इशू है, जैसा कि बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो प्लीज़ वहाँ पर स्पेशल अटेंशन दीजिए। जिस भी एरिया को आपके चेहरे पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपको डार्क लिप्स की परेशानी है तो आप इसी ऑयल का एप्लीकेशन अपने लिप्स पे करके और अच्छी मात्रा में उसको समय दे सकते हैं। अगर आपकी आईब्रोज काफ़ी वीक हैं, काफ़ी कम आती हैं, काफ़ी फीबल हैं, तो आप आराम से इस ऑयल का एप्लीकेशन अपने आईब्रोज पे लगा के मसाज कर सकते हैं। अपनी रिंग फिंगर्स पर आप इस ऑयल को लेके और अपनी आँखों पर मसाज कर सकते हैं अगर आपको डार्क सर्कल्स की परेशानी है। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द डार्क सर्कल्स जो आज के एज में हो रहे हैं वो इसलिए हैं क्योंकि हम काजल नहीं मिटाते। जी हाँ, मैं कई बार आईने को देखकर काफ़ी घबरा जाती हूँ कि डार्क सर्कल्स हो गए, पर समझ में आता है कि 3 दिन से काजल साफ नहीं किया है, सो दैट कुड बी अ पॉसिबल रीज़न। इसीलिए आप अच्छे से अपनी आँखों को भी मसाज कीजिए। इसके बाद का स्टेप है चेहरे को स्टीम देना, जो कि आपको हमेशा नहीं करना, आप महीने में 1 से 2 बार कर सकते हैं, एब्सोल्युटली ओके, बट नॉट मोर देन दिस, क्योंकि ये स्टीमिंग आपके स्किन की कई लेयर्स डाउन तक जाता है। जी हाँ, ये सिर्फ ऊपर ऊपर का प्रक्रिया नहीं है। स्टीम जो होती है, हीट जो होती है, वो आपके पोर्स को तो ओपन करती ही है, लेकिन साथ साथ आपके नीचे की जो लेयर्स होती हैं वहाँ तक वो इम्पैक्ट जाता है। इसीलिए जब आप स्टीम लें तो मेक श्योर कि आप इसको ज़्यादा समय के लिए ना लें, एक तो एक, और ज़्यादा बार ना लें। महीने में 1 से 2 बार इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट, और जब आप इसको ले रहे हैं तो मिनिमम 10 मिनट के लिए लें। देखिए, जब आप घड़ी सामने रख के 10 मिनट देखेंगे तो काफ़ी लंबा समय होता है, इसीलिए आप बीच बीच में ब्रेक ले सकते हैं। मैंने स्टीम लेने के दौरान बीच बीच में कॉटन पैड से अपने चेहरे को वाइप ऑफ किया, और आप हैरान हो जाएंगे, हैरान नहीं बल्कि परेशान हो जाएंगे कि आपके चेहरे से इतना ज़्यादा डर्ट निकलेगा। जी हाँ, आपने तो फर्स्ट स्टेप में अपने चेहरे को क्लीन किया था, लेकिन यहाँ पर जब आपने ऑयलिंग करी तो जितना भी एक्सेस डर्ट था, जो स्टिफ हो गया था, आपके चेहरे पर सूख गया था, वो मेल्ट होना शुरू होता है मसाजिंग की वजह से, वो और मेल्ट होता है, और जब हम स्टीम ले रहे हैं तो वो बिल्कुल ही पिघल कर बाहर आ जाता है। और जैसे ही आप वाइप ऑफ करते हैं आपका चेहरा मतलब अद्वितीय तरीके से साफ हो जाता है कि आप खुद विश्वास नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं स्टीम लेते हुए काफ़ी इंजॉय कर रही थी, क्योंकि सर्दी भी हो रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा था स्टीम लेना। इसीलिए आप आराम से, इत्मीनान से इस प्रोसेस को करें, इस स्टेप को करें। बीच बीच में क्लीन योर फेस, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने
तीन बार अपने चेहरे को वॉश ऑफ किया, वाइप ऑफ किया एक्चुअली कॉटन से, और देखिए हर बार इतनी गंदगी निकली कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना ज़्यादा डर्ट चेहरे पर था, जबकि मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया। मैं सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ और सनस्क्रीन्स का इस्तेमाल कर रही हूँ एंड नथिंग एल्स। मैं लिप स्टेनर्स का इस्तेमाल करती हूँ अपनी लिप्स के लिए, तो वो भी आपको दिख रहा था कि वो आ रहा है। एंड यस, यू हैव टू बी वेरी वेरी विजिलेंट। जब आप स्टीम लेंगे तो आपको बहुत ही खूबसूरती से आपका जो जितना भी डिपॉजिशन है वो क्लीन अप हो जाएगा एंड यू विल बी रियली हैप्पी। स्टीम लेने के बाद मेक श्योर कि आप अपने चेहरे को अच्छे से वाइप ऑफ करें, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट स्टेप। जब आपके चेहरे पर मौजूद वो जो गंदगी है, जब मेकअप है, जो भी चीज़ें हैं वो मेल्ट होकर है, जैसे ही आपका फेस सूख जाएगा तो आपका ये जो भी मेल्ट हो रखा है वो भी सूख जाएगा। इसीलिए आप गीले में ही इसको अच्छे से वाइप ऑफ कर दीजिए। और इसके बाद अपने चेहरे को किसी भी प्रकार से हार्श चीज़ से दूर रखिए, क्योंकि आपने स्टीम लिया है आपकी स्किन अभी काफ़ी ज़्यादा लाइटन हो रखी है। अगर आपको ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की परेशानी है तो जिस भी एरिया में आपको परेशानी है वहाँ पर हल्का सा गर्म पानी से डाब करके, हालांकि स्टीम ले रखी है स्किन ऑलरेडी काफ़ी सेंसिटिव है, बट एक एडिशनल स्टेप की तरह कुछ ब्लैक हेड्स काफ़ी स्टबन होते हैं, तो इसलिए आप गर्म कॉटन वहाँ पर लगा के, उसके बाद ये DIY फेस वॉश का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये झड़ेगा, इसलिए मैंने टाल का इस्तेमाल किया है। आप बाथरूम में कर रहे हैं तो यू डोंट नीड टू डू दिस। और मैं सिर्फ गीले हाथों से अपने चेहरे को गीला करके और उसके बाद ये DIY फेस वॉश से अपने चेहरे को वाइप ऑफ कर रही हूँ। ओनली द टी जोन, मेरे चीक्स को इतनी आवश्यकता नहीं है तो मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने टी जोन यानी कि अपनी नोज, अपने लिप्स, चिन और थोड़ा सा फोरहेड, इसको अच्छे से हल्के हाथों से मसाज किया। जो फेस वॉश है वो काफ़ी जेंटल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको हार्श लगेगा अपने चेहरे पर, बहुत ही आसान है। मैं लिंक आपको ऊपर दे दूंगी, आप आई बटन पर जाकर DIY फेस वॉश देख सकते हैं कि कितने लोगों ने उससे बेनिफिट लिया है। इट इज़ नथिंग बट मैजिक फॉर योर स्किन। इसके बाद मैंने अपने चेहरे को अच्छे से फॉर द लास्ट टाइम वाइप ऑफ कर लिया है। इसके बाद कोई भी प्रोडक्ट आपके चेहरे पर एज सच नहीं लगेगा जिसको आपको वॉश ऑफ करना पड़े या वाइप ऑफ करना पड़े। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका चेहरा बिल्कुल क्लीन हो चुका है। जी हाँ, अगर आपको ब्लैक हेड्स या डार्क जो भी किसी तरह का डिपोजिशन होता है पोर्स के अंदर, क्लॉग पोर्स होते हैं, वो हम DIY फेस वॉश से हल्का सा एक्सफोलिएट करके निजात पा चुके हैं एंड नाउ योर स्किन इज एब्सोल्यूटली हैप्पी। और ये जो स्टेप आप देख रहे हैं, मैं अपने खुद के बनाए हुए डार्क सर्कल्स हटा रही हूँ क्योंकि काजल हम क्लीन नहीं करते हैं, उस वजह से वो आ जाता है। इसके बाद आपको ये एक शीट मास्क है जो आपको बहुत इजीली, मैं नीचे लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। ये कैप्सूल की तरह आता है और जैसे ही आप इसको किसी भी लिक्विड में डालते हैं तो ये खुलकर ऐसा शीट मास्क बन जाता है। यहाँ पर मैंने चावल का पानी, जिसे हम मांड कहते हैं, उसमें इसको सोक किया था। आप चाहें तो गुलाब जल में सोक कर सकते हैं, अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर में सोक कर सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें सोक कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल अपने चेहरे के लिए कर सकते हैं। दिस इज़ द लास्ट स्टेप। जब आपका आपकी स्किन पर आप कुछ लगा रहे हैं तो इट हैज़ टू बी वेरी 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 न्यूट्रिटिव। इसके बाद मैं अपने बालों को एकदम हाई टॉप नॉट बन में बांध लेती हूँ क्योंकि दैट इज़ हाउ आई प्रेफर टू स्लीप दीज डेज। आप चाहें तो आप चोटी कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी कंफर्टेबल है वो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक हाई बन बना रही हूँ ताकि सोने में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है और बाल भी बहुत ज़्यादा नहीं उलझते हैं। मेरे बाल अभी ऑलरेडी काफ़ी उलझे हुए हैं इसलिए मैंने बन में इन्हें बांध लिया है और जूड़ा पिन लगा लिया है। इसके बाद ये जो मास्क मेरे चेहरे पर है ये आप जितना मैक्सिमम पॉसिबल रख सकते हैं रखिए, यानी कि सोने से पहले तक आप इसको रख सकते हैं। इसके बाद आई रीड समथिंग या जो भी मुझे करना है, सर्फिंग वगैरह, दैट आई डू। एंड इसके बाद जब ये काफ़ी अच्छे समय के लिए मेरे चेहरे पर चला जाता है सारा का सारा, मैं हर बार कुछ ना कुछ नया ट्राई करती हूँ, कभी गुलाब जल, कभी मांड का पानी, कभी कोई लोशन। जब मुझे लगता है इट इज़ लाइक कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड या मुझे सोना होता है, देन आई टेक इट ऑफ। ऑब्वियसली अपने हाथों को अच्छे से क्लीन कीजिए, दिस इज़ द लास्ट टाइम यू विल बी टचिंग योर फेस। और इसके बाद इसको मैं फॉर द लास्ट टाइम, ताकि तकिए पर ना लगे या मैं अनकम्फर्टेबल फील ना करूँ, मैं इसको अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज कर लेती हूँ ताकि ये डीप विद इन एब्जॉर्ब हो जाए। जी हाँ, ये सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और बहुत आसानी से आपकी स्किन पर पेनिट्रेट कर जाती हैं एंड यू वुड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम अप्लाइंग दीज थिंग्स ऑन योर फेस। यानी कि आपका चेहरा इतना नीट, क्लीन, टाइडी हो जाएगा कि आप खुद अपने चेहरे को पहचानने से इनकार कर देंगे कि इतना नीट एंड क्लीन
हम नहीं मानते। आशा करती हूँ आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और आप अपने लिए डेफिनेटली ट्राई करेंगे। मेरी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताइएगा। मैं इस पूरे एप्लीकेशन को अपने हाथों में भी लगाती हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। द पर्पज इज टू बी नीट, क्लीन, टाइडी एंड एब्सोल्युटली हाइड्रेटेड। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आपकी स्किन इतनी क्लीन हो जाएगी कि आपको लगेगा कि फेशियल करा रखा है। ऑल द वेरी बेस्ट ट्राइंग दिस एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक इट।